आप तो आप देखिएगा बीकॉम ऑनर्स 1990 कितना पुराना क्वेश्चन है 1990 जब मेरा खुद का जन्म नहीं हुआ था नए सवाल भी आएंगे भैया भी बिल्कुल आएंगे आपके 17 के 18 के 19 के पिछले 10 साल के ही आएंगे करंट बारह सौ हजार बारह तो पूछा गया चलिए करिए जरा डन क्या आंसर है तू अने बनाया सत्रह हजार आट... सत्रह हजार आठ सौ और बारह हजार आठ सौ हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर वेरी गुड देखिए, चलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूं हाँ जी देखिएगा देखो जी क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन समझते हैं अ फॉर्म प्रोड्यूसिस थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी विच इट सेल्स इन अ टू मार्केट तो यहां पर तो तीन प्रोडक्ट है, दो मार्केट है तो यहाँ पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि तीन प्रोडक्ट और दो मार्केट है तो तीन दो समझ में आ रहा है मुझे ए बी सी और आगे क्या दे रहा है आगे आपको जो है तीनों cost और तीनों का जो है वो दे रहा है आपका प्राइस तो तीनों का cost आपको दे रहा है और तीनों का आपका प्राइस दे रहा है आगे चल करके तो आपके पास पे यहां पर अगर आप देखें सबसे पहले आपसे पूछ क्या रहा है पे प्रॉफिट पूछ रहा है तो आइए देखते हैं क्या है तीनों का इफ द प्राइज ऑफ ए बी एंड सी आर लाइक दिस ए बी और सी इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो इसकी प्राइस क्या ए बी सी की 2.50 पॉइंट फाइव जीरो वन पॉइंट टू फाइव एंड वन पॉइंट फाइव जीरो रुपीज इसकी प्राइस है एंड द कोस्ट द एंड द कोस्ट पर यूनिट आर अब इन्ही का क्या है इन्हीं प्रोडक्ट का कोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ एबीसी के एबीसी के कोस्ट की बात करता हूँ मैं तो कोस्ट क्या मेरे पास पे वन पॉइंट सेवन जीरो रुपीज एंड वन पॉइंट टू जीरो रुपीज एंड जीरो पॉइंट एट रुपी ये और बात किससे कर रहा है पूछ आपसे प्रॉफिट रहा है तो प्रॉफिट आप निकालना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट कैसे निकलता है सी बात है कोई चीज मान लो मैं एक पेन दस रुपए में बनाता हूं ये मेरी क्या है कोस्ट है और मैं बेचता हूं, हूं प्राइस में इसका पंद्रह रुपए रख देता हूँ ये प्राइस है तो मतलब क्या है कि प्राइस में से अगर मैं अपना कोस्ट माइनस कर दूंगा मतलब पंद्रह में से दस में अपना माइनस कर दूंगा तो पांच रुपए क्या आएगा प्रॉफिट आएगा तो ये ईच यूनिट के ऊपर प्राइस क्या रखा है

बात समझे और यहां पर आपके पास में वन टू तो जीरो पॉइंट आपके पास में माइनस करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव और यहां पर अगर आप माइनस करते हैं एटी तो टू और सेवेंटी जीरो पॉइंट सेवेंटी यह बात समझो आपको आई या नहीं आई पहले बताइए ये बात आपको क्लियर है या नहीं है आप पहले आप मुझे ये बता दें कि ये चीजें क्लियर हैं आपको अब आपके पास सिंपल सी चीजें हैं कि अब आपके पास में एक तो मार्जिनल प्रॉफिट है और दूसरा क्या है आपके पास पे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो बना हुआ है आपके पास में तो ये टू थ्री बिल्कुल सही मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्वेश्चन में गिवन है कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है फिर तो आपको और ये क्या दिया हुआ है आपके पास में ए बी सी तीन मार्केट है और तीन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है और ये आपके पास में सेकेंड है तो ए आपके पास में फर्स्ट मार्केट में आठ हजार चार और हजार और सोलह हजार अब फॉर्म प्रोड्यूस तो फर्स्ट मार्केट जो है उसके अंदर ये तीन प्रोडक्ट इतने जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं सेकेंड मार्केट में सात हजार अट्ठारह हजार और सेकेंड मार्केट में जाकर के नौ हजार ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या है क्रॉस टू क्रॉस थ्री अब मेरे पास में एक मैट्रिक्स जो है प्रॉफिट ईच पे कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो थ्री और वन के ऑर्डर में है तो ये बिल्कुल मैच हो गया तो बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा तो क्या है मेरे पास में जीरो पॉइंट एट जीरो जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड जीरो पॉइंट सेवेंटी आपके पास तो कैलकुलेटर खैर एग्जाम में होगा ठीक है अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है ठीक है ये क्या है एबीसी का आपका पास में क्या है प्रॉफिट है तो मैं फर्स्ट मार्केट की बात करूंगा तो फर्स्ट मार्केट जैसे पहले टू और ये क्या है मेरे पास में टू एंड वन तो मैं किस में बनाऊंगा ये मैं आपके पास में बनाने वाला हूं कि यहां पर से क्या है टू रो है और फर्स्ट कॉलम बनेगा ये कुछ इस तरीके से आपके पास में फाइनल आंसर आपका कुछ ऐसा आने वाला है क्लियर है जी कोई डाउट किसी बच्चे का तो प्लीज पूछें अब आप देखें यहां पर मल्टीप्लाई अगर आप इसको जनरली करते हैं तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 82 64 इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो खैर पॉइंट हटाओ जीरो कट गया एक जीरो कट गया तो चौसठ सो ठीक है अब देन दिस मल्टीप्लाई करेंगे आप ये सेकंड वाले सेकंड को करेगा पूरे कॉलम करेंगे प्लस ये दो पॉइंट से दो के साथ पॉइंट है दो जीरो कट गया तो ये पांचों बीस क्लियर है जी और आपका जीरो दो हजार आ गया प्लस अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये जीरो जीरो कट गया तो आपके पास सोलह सौ ठीक है जी और सात यहां तक क्लियर है आपको पहले यहां तक देख लीजिए यहां तक आपको क्लियर है अगर नहीं है तो आप डाउट मुझसे पूछ लीजिए तो सॉल्व करेंगे इसको आप तो क्या आएगा, आएगा आपके पास में एक सौ बारह क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक जीरो गया एक जीरो गया दो जीरो आपके बचा होता है ग्यारह हजार दो सौ ठीक है अब सेकंड वन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और एक जीरो कट गया दो जीरो बचा हुआ है और आठ सते छप्पन प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे क्या कट जाता है दो जीरो कट जाता है और अठारह पंचे नब्बे और एक जीरो बचा तो आपके पास है नौ सौ और प्लस में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो एक जीरो दो जीरो बचा हुआ है और सातलिम तिरसठ और आपका दो जीरो बचा हुआ है तिरसठ सौ ठीक है जी ऐड करेंगे आप ग्यारह हजार दो सौ ग्यारह हजार चार सौ ग्यारह हजार छह सत्रह हजार सत्रह हजार आठ सौ यहां सॉल्व करेंगे आप तो आपके इसमें दे देंगे आप चार सौ तो छह हजार फिर उसके बाद दे देंगे आप यहां पे पांच सौ तो पैंसठ सौ पैंसठ सौ और आपका छह हजार बारह हजार पांच सौ बारह हजार आठ सौ आपके कैलकुलेटर होगा तो आपको इसकी बड़ी सहायता मिलेगी बड़ी हेल्प मिलेगी कैलकुलेटर मेरे पास में भी है बट जनरली इसको

मार्केट एंड प्रॉफिट को तो तो ये ये मार्केट 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 है है और ये क्या प्रॉफिट प्रॉफिट तो पहले में में इतना profit, में इतना मैंने करा ये बात में आपको है नहीं लेकिन एक बात भी आपको समझना होगा कि पहले ना वो यही सवाल बड़ा मुश्किल हुआ करता था क्यों क्योंकि उस समय ना कहीं कही ना कहीं सब कुछ डिपेंडेंसी सेल्फ स्टडी पे थी टीचर बहुत कम थे मतलब कि 1990 में ऐसा कोई टीचर बहुत रेयर मिलते हैं कि जो बीकॉम करने के बाद वो ट्यूशन पढ़ा रहा हो उसको इसकी नॉलेज हो तो वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हो तो पता ये कैसे पढ़ा रहे हैं तो टीचर के पास पे नॉलेज की थोड़ी सी जो उस टाइम उस पे बच्चे तक बच्चा कैसे नॉलेज को कहां से ले आज क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है।

दो 2000 पे भी आ गए ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स से क्वेश्चन ठीक है उन्हीं सवालों पे तो बस तो मुझे लगता कि है कि नीड है अभी इसमें एक दो क्लासेस और देने की नीड है देनी चाहिए ये तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में बीकॉम ऑनर्स 2013 स दो हजार तेरह के क्वेश्चन भी हैं जो कि पिछले दस साल में आप बात करेंगे तो दो हजार तेरह अगर आप देखते हैं तो आपके पास में क्या आता है मेटेरियल सॉरी मेटेरियल एम वन एम टू एंड एम थ्री तीन प्रोडक्ट है पी वन पी टू पी थ्री और मेटेरियल मेटेरियल टू एम मेटेर थ्री है दर यूनिट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच प्रोडक्ट फॉर द एच मेटेरियल इज फॉलो दिया हुआ है आपके पास में दिक्वायरमेंट ऑफ दटीरियल इज द फॉर्म्रेड टू हंड्रेड एंडलीस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एच प्रोडक्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट इज द मेटीरियल एम वन एम टू एंड एम थ्री तीन सवाल इसे पूछे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन तो सवाल कौन सा मुश्किल हो गया है सवाल तो आपका वही है अगली कक्षा में भी हम इस पर टाइम देंगे सो करेंगे पेपर में सवाल आपके आ रहे हैं एप्लीकेशन हाँ, और मैट्रिक्स में हमारा बस एक है, चल रहा है, जो कि है और, एक और बचा हुआ है हमारा, तो यहाँ पर मैं, अभी मुझे अभी दो से तीन क्लासेस देना चाहिए तीन क्लासेस दूंगा तो बहुत परफेक्ट क्लासेस आपकी हो जाएगी और तीन क्लासेस मतलब कि सिक्स डेज यहाँ से हम लेते हैं तो सिक्स डेज अगर हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे सोलह और आपके पास में फिर उसके बाद हम जो है अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तीन क्लासेस प्लस में फिर आपके पास में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी फाइव क्लासेस एक्सपेक्ट कर लीजिए तो अभी भी मेरे टेन क्लासेस के रिक्वायरमेंट मिनिमम तो रहेगी लेकिन टेन क्लासेस में आपका ये यूनिट वन पकड़ में आ जाएगा पहला क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा ये बात आप मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा आपका दूसरी क्लासेस के मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूंगा अगर आपका यूटी वगैरह है तो आप उसको देख करके अपने यूटी दे दीजिए ठीक है जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में थैंक यू जी थैंक यू सो मच एलएलपी की मैं वो प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको ठीक है जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में